सावन में शीघ्र विवाह के उपाय तभी सफल होते हैं जब आप उन्हें सही नियम से पूरा करते हैं। आज हम आपको आपकी उम्र के हिसाब से विवाह की अड़चनें टालने के अलग अलग उपाय बताने वाले हैं। तो इस शिवमय महीने में अपनी उम्र के मुताबिक उपाय कीजिए और पा लीजिए अपना मनचाहा रिश्ता। थोड़ी सी भक्ति से बाबा होते हैं निहाल। भक्तों की जिंदगी बनाते हैं खुशहाल। सावन में विवाह का वरदान देंगे शंकरा। जो बन जाते हैं भक्तों का हर बार सहारा। महादेव शिव अंतर्यामी हैं, दया निधि के सागर हैं आदिदेव महादेव। तो अगर आपको किसी परेशानी ने घेरा है तो सावन में शिव को पुकारिए। क्योंकि भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं आदिदेव। हर भव बाधा दूर कर देते हैं महादेव। महादेव की कृपा से मिट जाते हैं सारे गम। बोलिए हर हर बम बम। ऐसी मान्यता है कि अगर शादी विवाह में बाधा आ रही है और आपकी उम्र 28 से 24 साल है तो सावन में ये खास उपाय आपकी बाधा को दूर कर सकते हैं। गौर से देखिए। सावन में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करें। शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करें। सायंकाल शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। ओम गौरी शंकराय नमः का जप करें। ये प्रयोग सावन में लगातार 9 दिन करें। शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा। देखिए गौर, बिना हम कोई भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं सीधे हम कहते हैं सांब सदा शिवाय नमः। अकेले शिव की पूजा कहीं है ही नहीं है। अगर शिवलिंग के नीचे से अर्घे को हटा दिया जाए तो शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति के बिना शिव सौ के समान है। इसलिए जो गौरी हैं और जो उनकी अर्धांगिनी है जिनके नाम से हम उनको गौरी शंकर कहते हैं, तो शिव की पूजा कभी अकेले नहीं होती। शिव की पूजा जब भी होगी तो गौरी के साथ में होगी। बहुत भिन्न भिन्न नाम है, रूप है, लेकिन गौरी शंकर के नाम से विशेष इनको महत्व दी गई है। ऐसे ही महादेव शिव जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बस श्रद्धा से उनकी उपासना और आराधना करने की जरूरत है। तो अगर आपकी उम्र है 25 से 30 के बीच और अभी तक नहीं हो पाई है आपकी शादी, तो इन उपायों को जरा गौर से देखिए। सावन में पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें। शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाएं। ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग सावन में लगातार 9 दिन करें। सृष्टि के संहारक महादेव शिव हैं, लेकिन वो कष्टों का भी समूल नाश करने वाले हैं। इसलिए शिव आराधना से विशेष कृपा मिल सकती है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तो सबसे सुंदर मंत्र है जो कि तुरंत लाभ देता है, ओम नमो भगवते रुद्राय। यह जो मंत्र है, इस मंत्र का जप शीघ्र फल देता है। ओम नमः शिवाय या आशुतोष तुम औढ़र दानी आरति हरऊ दीन जन जानी,
इनका जप करके भी हम मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अंतर्यामी शिव की उपासना से भय, बाधा, विपत्ति और रोगों का नाश हो जाता है। तो शिव का ध्यान करते रहिए, उनके नाम का जाप कीजिए, जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको मिलेगा खुशहाल जीवन का वरदान।